ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। कौमी बैटर्स तू चलते में आया की पॉलिसी पर गामजन। 101 रन पर ही आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। ओपनर साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 37, कामरान गुलाम 5 और सलमान आगा 12 रन पर ही चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन पर आउट हुए। शाहीन आफरीदी और इरफान खान विकेट पर मौजूद, 5 विकेट पर 120 से ज्यादा रन बना लिए। लाहौर का आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। भारत का शहर दिल्ली 439 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। जहरीले धुएं के बाद सांस लेना मुहाल, आंखों में भी जलन। हुकूमत ने लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स आज से एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए। शहर के मजीद दो इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। लाहौर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब, 7 निकाती एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी मंजूर करवाए जाने का इम्कान। पीआईए की तबाही का मामला उठाया जाएगा। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया। 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 788 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 91,000 की सतह बहाल। इंडेक्स 91,648 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 90,859 पर बंद हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का एफआईए को नोटिस जारी, जवाब तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। अमेरिका में सियासी पारा आसमान छूने लगा। 40 अमेरिकी रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। 7,70,00,000 से ज्यादा वोट डाले जा चुके। 2020 के इंतखाबात से टर्न आउट 47% जायद। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में ऐवानी नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स भी चुने जाएंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचा दी गईं। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने अर्ली वोटिंग में ही धांधली का इल्जाम लगा दिया। वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद करके कागजी बैलेट की तरफ जाने का मुतालबा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में खिताब में कहा, पेंसिल्वेनिया में हजारों जाली बैलेट्स की निशानदेही की गई है। मौजूदा हुक्मरान धोखेबाज हैं। अमरीका आने वाले जराइम पेशा तारकीन वतन की आमद रोकेंगे। कामला हैरिस ने जो काम खराब किया उसे ठीक कर देंगे। हम अमरीका को फिर से मजबूत और अजीम बनाएंगे। बतौर सदर गजा जंग को ख़त्म कराने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब। कहती हैं, ट्रंप की नफरत आमेज सियासत से सब तंग आ चुके हैं। हकीक लीडर लोगों को गिराने वाला नहीं, उठाने वाला होता है। इक्तदार में आकर महंगाई ख़त्म, मिडिल क्लास के लिए टैक्स छूट दूंगी। दौड़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। साबिक सदर बाराक ओबामा की स्विंग रियासत विस्कॉन्सिन में कामला हैरिस के लिए इंतखाबी मुहिम। कहा, अमेरिका तारीख का सफ़ा पलटने के लिए तैयार है। ट्रंप का गुज़श्ता दौर अफरा तफरी से भरपूर था। वो शहरियों के मसाइल हल नहीं कर सकते। अगर कमला सदर मुंतखब हुई तो आपके मसाइल हल करेंगी और तमाम अमरीकियों के लिए सख्त मेहनत करेंगी। दूसरी जानब अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में खवातीन का मार्च। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस की हिमायत का अजम जाहिर किया। शुरका ने लोगों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात में अपने हक के लिए वोट जरूर दें।
ईरान इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने खित्ते के सिफारतकारों को इंडिया दे दिया कि वो आइंदा दिनों में इसराइल पर मजीद ताकतवर जंगी हथियारों से भरपूर और पचीदा हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान की फौज भी नीम फौजी दस्तों के साथ होगी। मगरबी हुकाम के मुताबिक ईरान गौर कर रहा है कि हमला बराह रास्त होना चाहिए या प्रॉक्सीज के जरिए ईरान इराकी सरजमीन को भी इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एबटाबाद में गिलियाद के जंगलात में लगी आग तीसरे रोज भी बुझाई ना जा सकी। आग ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। आतिशजदगी से हजारों दरख्त और पौधे जल गए। आग लगने से जंगली हयात भी शदीद मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ। इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई ताहाल शुरू नहीं की गई। और सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से हलाकतों पर ओपोजिशन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का दारुल हुकूमत बलगराद की सरकारी इमारतों की तरफ मार्च। कहा हुकाम की गफलत और बदउनवानी ने 14 अफराद की जान ले ली। वजीर आजम कहते हैं जिम्मेदारों के तायुन के लिए तहकीकात कर रहे हैं। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरखास्त पर समाप्त हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। अटर्नी जनरल साहब इस्लामाबाद से शहरी लापता क्यों हो रहे हैं? यहां पर भी वो काम शुरू हो गया जो कराची में होता था। भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरखास्त पर समाप्त हुई है। मजीद जानते हैं साकिब बशीर से। जी साकिब बशीर, इस समाप्त का अहवाल बताइएगा। आज इंतजार हैदर पंजोता की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त पर समाप्त हुई, जिसके दौरान अली बुखारी एडवोकेट रशीद शहीन पेश हुए। अदालत की जानिब से ये जो पूछा गया कि इंतजार हैदर पंजोता जो है वापस आ चुके हैं और SHO थाना कोसार को हिदायत की गई कि वो जब इस दो दिनों में उनसे रब्ता करें और उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड करें और इस हवाले से तहकीकत करके कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाएं। थाना कोसार के SHO से ये हिदायत की गई है। आज अली बुखारी ने बताया कि थाना कोसार से जब रिसीव किया इंतजार बनने तक उनकी हालत ऐसी थी कि उनसे मैं बात भी नहीं कर सकता, उनसे पूछ नहीं सकता था कि उनको कहाँ कैसे किस तरह रखा गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी रिमार्क किए कि जो कराची की तरह के यहाँ पे भी मामला जल्द शुरू हो गया है और बच्चे की पर्ची मेरे जाने वाले को आई है और लोगों को उठाया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, उसको देखे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर आपका।